पिछली बार आपने मुझे इंटरव्यू करके मशहूर कर दिया और गरीब कर दिया। मतलब हम लोग तो जब भी आपको याद करेंगे अगली मुलाकात के पहले तक तो खिलखिलाते डॉक्टर अख्तर को, विटी विकेट डॉक्टर अख्तर को याद करेंगे। जॉनी जॉनी वॉकर से मेरे दो रिश्ते हैं। इस बार ऐसा कुछ करें, इस बार उल्टा काम करें, बदनाम करें और अमीर करें। मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं। सर सवाल थोड़ा पर्सनल है, मेरा एक मासूम सा सवाल है। ये तो हम फैसला करेंगे कि एक आदमी, उसको सपने आते हैं कि वो शादी करने जा रहा है और केला खाते हुए जा रहा है। हाँ। तो सपने में केला खाने का क्या अर्थ हो सकता है? इसके जवाब जो है कुछ पोर्नोग्राफी के करीब है जिनका शरीफ लोगों की महफिल में देना मुनासिब है। मैं बता सकता हूँ आपको क्या विश नहीं है। कानपुर में एक मुस्लिम ऑर्फनेज है, उसके जो अकाउंटेंट थे मसूद साहब, अब वो गुजर गए, उनसे मिलने की आपके दिल में कोई तमन्ना नहीं। कई बार सपने इस किस्म के अजीबोगरीब होते हैं कि मेरे सपनों में कई बार मेरा बचपन का एक दोस्त जिससे मैं बरसों से नहीं मिला हूँ, वो रावण वाली फैंसी ड्रेस पहन करके PS5 पर गेम खेल रहा होता है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन ह्यूमन माइंड। Is so complex and so full of surprises. Female friendships are more emotionally intimate, जबकि male friendships बहुत सतही किस्म की बातचीत होती है ज़्यादातर। तो iPhone 16 या किसी IPL match या किसी दुनिया गाड़ी की बात करेंगे हम। हमें वो depth क्यों नहीं आ पा रही है? We are groomed as boys to be outward going, action oriented, goal oriented, and accomplish things. That is more important than the feelings. कभी मेले में जा रहे हैं, बस में travel करें, 2-3 सेकंड के लिए कोई कहीं ना कहीं टच कर ही देता है, तो ये 2-3 सेकंड में क्या किक मिल जाता है? इस बिहेवियर के पीछे क्या साइकोलॉजी है? मतलब 2-3 सेकंड में ऐसा क्या हो रहा है? दो चीजें आप दिखा रही हैं इसमें, एक क्लोजनेस, इमेंस क्लोजनेस, दूसरे स्टीलिंग। एक तरफ आप जावेद अख्तर पर पूरा का पूरा चैप्टर लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी उनसे बरसों से बातचीत बंद है। या अल्लाह, अच्छा, वन कैन राइट अबाउट पीपल that one has never met. In fact, ये आसान है. It's easier to write about people that one has not met. He really wants to talk to you. हाँ, अच्छा है, तो उनकी चॉइस अच्छी है. He's a good choice. कि आपने ये तो कहा है कि मैं बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग आदमी हूँ, मैं 100% हिंदुस्तानी हूँ, 100% अमेरिकी हूँ. जी. मगर जब आप अपने बेटे को छोड़ने जाते थे तो एक लंबे रास्ते से जाते थे क्योंकि वहाँ पर एक घर पड़ता था जो हिंदुस्तानी लगता था. मेरे शहर में घर नहीं कोई मेरा, जहाँ मेरा घर है वहाँ का नहीं। आह, दिस इज़ ट्रेजेडीज़ ऑफ़ इमिग्रेंट्स। इज़ लाइफ मीनिंगफुल? एब्सोल्युटली। इज़ लाइफ मीनिंगलेस? एब्सोल्युटली। दोनों चीज़ें हैं। इसको मतलब फिर वही चैनलाइज कैसे किया जाए, किताबों के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू? मैंने किसी से नहीं कहा था कि मैं पैदा होना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच में कोई सपना नहीं आता। I don't believe that. It doesn't make any sense. लेकिन शेर सुना देता हूँ उस पे, ना कोई ख्वाब, ना कोई खलिश, ना कोई खुमार, ये आदमी तो अधूरा दिखाई पड़ता है। वाह, क्या बाप का शेर है मेरे।